पे सड़कों पे आप बैठे हुए हैं उसके बारे में बताएं। भरा है पेट तो संसार जगमगाता है, खाली है पेट तो ईमान डगमगाता है। करवा चौथ, दिवाली, ईद उनके लिए होती है जिनका पेट भरा होता है। सर हम लोगों का 481 रुपए में पेट खाली है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 481 रुपए आपकी सैलरी है पर डे की? जी 481 रुपए पर डे की है, और जिस दिन हम छुट्टी करते हैं उस दिन हमें कुछ नहीं मिलता, ना महीने के में चार्ज, बस सिर्फ उतना ही मत आए जाए। जो रोड पे वर्कर बैठते हैं कि आज काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो घर जा, उसी के हिसाब से हमें वेतन मिलता है। हम 10 दिन करेंगे तो 10 दिन का काम मिलेगा, 15 दिन करेंगे तो 15 दिन का काम मिलेगा। और यहाँ तक कि जानवर को भी, गाँव में बैल होते हैं ना, बैल खेत जोत के आते हैं तो उनको भी रेस्ट दिया जाता है, लेकिन हमारी हालत तो बैल से भी बदतर है। हमें कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, हम रात दिन लगे रहे तो भी कम है, ना लगे तो भी कम। दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और पूरे भारत में है मोदी सरकार। जो मोदी सरकार वादे करती है सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज रोड पे बेटी आ गई है, उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपकी मांगों को नहीं मांग पूरा होगा तो आप क्या करेंगे मीना जी? सर ये संघर्ष जारी रहेगा। और सर आप ये मोदी जी तक ये बात पहुँचाइए, माननीय केजरीवाल जी के पास ये बात पहुँचाइए, ये बेटी ही बेटी ही बेटी नहीं है, ये बेटी दिव्यांग है, जिसका पहले नाम विकलांग था, हमारे मोदी जी ने दिव्यांग नाम रख दिया। ये मोदी जी के कानों तक मैसेज जाना चाहिए कि दिव्यांग नाम रखने से पेट नहीं भरेगा, बल्कि उनका हक चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारों का सिर्फ दिया जाता है।